हेलो, इज दैट अतुल? यस अतुल, मैं मॉडर्न इन्फोटेक HR डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ निधि। वहाँ तो सविता मैम है। हाँ, सविता मैम के अंडर मैं भी नई एग्जीक्यूटिव ज्वाइन आई हूँ। रियली वांट टू कंग्रेचुलेट यू, आपकी काम से कंपनी इज रियली हैप्पी। इसका हम पोस्टिंग कर रहे हैं 1 ईयर के लिए फ्रांस में। थैंक यू सो मच। फ्रांस में जा रहे हैं बोर्डियो स्पॉन मोन छोन छोन जगह पे जा रहे हैं। इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, वहाँ पर आप जा रहे हैं। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको जाननी जरूरी है। यस यस श्योर प्लीज। पहले तो आपको इंग्लिश एक जरूरी है लैंग्वेज आनी, दूसरी आपको बोर्डियो फोंग फोंग आनी चाहिए। कौन सी मैम? बोर्डियो फोंग फोंग। मैम ये कौन सी लैंग्वेज है? वहाँ तो फ्रेंच चलती है। आई नो, लेकिन ये जिस टाउन में हम आपको भेज रहे हैं दैट इज बोर्डियो फोंग फोंग, और वहाँ की लैंग्वेज है बोर्डियो फोंग फोंग है। बोल के दिखाइए। वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड वाली चीज ये है कि आप जो भी कमाएंगे उसका 50% आप कंपनी को देंगे, राइट? ये कैसा कंडीशन है? इस समय आपका सैलरी पैकेज क्या है? 50,000 सैलरी है मैम। सो आपको महीने की सैलरी आप 30 लाख मिलेगी। 30 लाख? यस यस कम, लेकिन अब आपको 15 लाख पहले डिपॉजिट करके जाने। ये एक सिक्योरिटी रहती है कंपनी की कि एम्प्लॉय इधर उधर ना भाग जाए। आप बॉडी पौन पौन से बॉडी चौन चौन में चलेगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बता दूंगी हमारी तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको शादी शुदा होना जरूरी है। ओके, हम क्या बात कर रहे हो? मेरी शादी अभी नहीं हुई ना मेरे पास। कंपनी आपको बीवी प्रोवाइड करेगी, ठीक है मैम? आप कौन सी लड़की है, कौन है, क्या खानदान? लड़की तो चले, बीवी तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हक उस पे कंपनी का होगा, ठीक है? What rubbish is this? This is really unacceptable to me. आप क्या क्या बोले जा रहे हैं? Are you really needy for my company or? मैं आपके नंबर फॉरेन कंट्री भेज रहे हो, कह रहे हो बीवी मैं दूंगी, बीवी कंपनी का होगा, क्या कह रहे हो? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ इन माय कंपनी। की शादी होगी, बीवी बच्चे कंपनी देंगी, क्या? यस बिकॉज मैं आपकी कंपनी से नहीं मैं अपनी कंपनी से बोल रही हूँ। मैं 94.3 माय एफएम की आरजे मीनाक्षी बोल रही हूँ और आपकी डोंट टेल मी दिस इज बर्थडे की टोपी। यस दिस इज एग्जैक्टली बर्थडे की टोपी। आपकी कुलीग कनिका ने आपको पहना दी है बर्थडे की टोपी। मैं रोज सुनता था ये और हंसी आती थी और ये नहीं पता था कि कोई मुझ पर ही कर देगा ये।